हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फूड मैजिक विद पिंकू प्रीति। आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसे हम लोग गजरेला भी बोलते हैं। ये मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाएगा, इतनी टेस्टी ये गाजर के हलवे की रेसिपी है। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। तो चलिए चलते हैं, इसको कैसे बनाते हैं देख के अच्छा लग रहा है ना कि कितनी अच्छी ये जो है डिश है। तो चलिए फिर इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं गाजर और दूध। इसके लिए सबसे पहले हमने मोटी तली का एक कढ़ाई लिया और इसमें 2 लीटर दूध हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। ये फुल क्रीम मिल्क है, अगर फुल क्रीम होता है तो गाजर के हलवे की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट भी अच्छा होता है और इसका जो है खोया भी बहुत अच्छा आता है बनके। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो फुल क्रीम लें, नहीं तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं। इसको हम बॉयल होने देते हैं, तब तक हम गाजर भी कद्दूकस कर लेते हैं, इसको ग्रेट कर लेंगे। हमने सारे गाजर को छील लिया है और इसको अब हम ग्रेट करेंगे। तो ये गाजर की क्वांटिटी 1 किलो है। ये इन लाल गाजरों का ही बहुत अच्छा होता है, ऑरेंज गाजरों में उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। तो इस समय गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं और घर पर बनाएं तो उसका स्वाद ही अलग होगा। देखिए इस तरह से हमने सारी गाजरों को अपने ग्रेट कर लिया है, ये एकदम लच्छेदार बहुत ही अच्छे ये ग्रेट हुए हैं। और दूध हमारा बॉयल होने लगा है, अब हम इसी दूध में सारे गाजर जो ग्रेट किए हुए हैं ऐड कर देंगे। और इस समय जो है हम एक बार स्टर कर लेंगे अपने सारे ऐड किए हुए गाजर को और इसको हम लो टू मीडियम हीट पर रखेंगे। ये ग्रेजुअली इसको हम पकने देंगे, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट इसका रिजल्ट ऑसम आता है फ्रेंड्स जो है, क्योंकि इसमें लिक्विड क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है दूध की, तो ये जो है उसके साथ धीरे धीरे पकता है और इसका क्वांटिटी जो है काफ़ी रिड्यूस होता है, तो इसलिए जो है टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन इसका रिजल्ट जो मुँह में एकदम जो गाजर का हलवा डालेंगे ना घुल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए ये 5 मिनट के बाद में हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी ही रिड्यूस हुई है। और इस तरह से हम बारी बारी से ऊपर नीचे चलाते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो तली में हमारा गाजर का हलवा लग जाए। तो इसको आराम से चलाते रहिए और इसको बनने में करीब 30 से 35 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन टेस्ट ऑसम होगा फ्रेंड्स, ऑसम। मेरे एक और गाजर के हलवे की रेसिपी है, शादियों में कैसे लच्छेदार हलवा बनाते हैं ना, वो भी बहुत ही हिट रेसिपी है। बिल्कुल वो लच्छेदार गाजर का हलवा होगा। आप मार्केट में दुकानों पर या शादियों में जैसे गाजर का हलवा खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये क्वांटिटी हमारी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होनी शुरू हो गई है, जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। ये दूध जो है गाजर के साथ पक पक करके खोए की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और इसमें हमें घी भी चाहे तो हम पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो थोड़ा सा लास्ट में जो है घी डालें या तो ना डालें, ये टोटली ऑप्शनल होगा। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है। देखिए 10 से 15 मिनट के बाद में ये क्वांटिटी और रिड्यूस हो गई, काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा अच्छा कंसिस्टेंसी हो गया है फ्रेंड्स। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलें और आप सारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन सारी रेसिपीज को एंजॉय कर पाएँ। फ्रेंड्स देखिए 20 मिनट के बाद में हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है, दूध ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है और हमारा खोया जो है कुछ कुछ दिखने लगा है इसमें। ये फ्रेंड्स जो है ना टोटली ऑप्शनल है, आप घी ऐड करें या ना करें, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा ग्लेज जो है एक शाइनिंग हलवे में अच्छी आ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत एनहेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी को घी ज़्यादा नहीं पसंद है या नहीं खिलाना है
तो आप जो है घी टोटली स्किप कर सकते हैं। देखिए घी में थोड़ा सा भून जाने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम शुगर। शुगर जो है आप नहीं अगर पसंद करते हैं तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेट किए हुए गुड़ आप ऐड कर दीजिए, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। ये 1 किलो गाजर के लिए परफेक्ट रेशियो है, ना ही ये बहुत मीठा होगा और ना ही फीका होगा। अगर आपको पसंद हो ज़्यादा मीठा तो और ऐड कर सकते हैं, और कम मीठा पसंद हो तो कम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स गजरेला की रेसिपी ना थोड़ा सा लिक्विडी होती है, इसी स्टेज पर हम जो है चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं फ्लेम को, और ये थोड़ा सा जो है गुई टाइप आएगा और ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूंगी ताकि स्टोर करने पर बाद में खाने में भी अच्छा इसका टेक्सचर आए। आप अगर तुरंत खाना चाहते हो तो इसी स्टेज पर इसको रोक सकते हैं। फ्रेंड्स आगे भी देखिए इसमें किस तरह से जो है इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। और अब हम इसमें ऐड करने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट भी टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, ना डालना चाहते हो तो ना डालें। फ्रेंड्स इसके लिए हमने ले लिया है 10-12 बादाम, 10-12 काजू और एक मुट्ठी किशमिश, और आधा मुट्ठी हमने पिस्ता ले लिया, 10-12 पिस्ता लिया है। इन सबको हमने फाइनली चॉप कर लिया है और इसमें से आधे जो है ड्राई फ्रूट्स को मैं इसी हलवे में बनते समय ही ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर हमारा खाते समय भी आएगा और हर किसी के मुंह में जो है कुछ ना कुछ बाइट ड्राई फ्रूट की जरूर जाएगी। तो ये जो है हमारा बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा रेडी हो गया है। इसको अब हम प्लेट कर लेते हैं, तो इसको जो है हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को जो हमने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बचाए हुए हैं उन सबको जो है हम थोड़ा थोड़ा इस पर गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी यमी और मुंह में घुल जाने वाला ऑसम होगा। और ट्रेडिशनली जो है हम लोगों के घरों में यही हलवा बनता है। तो फ्रेंड्स कब बना रहे हैं ये हलवा, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल ऑसम टेस्ट, परफेक्ट रेसिपी है विद ऑल मेजरमेंट्स। हमने 1 किलो गाजर में 2 लीटर दूध डाला है, आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से गाजर के हलवे पर जब हम गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल हमारा ये रॉयल गाजर का हलवा मुंह में घुल जाने वाला नटी फ्लेवर का बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। और फ्रेंड्स हमारा शादियों वाला लच्छेदार गाजर का हलवा भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इसकी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।